कृष्णा, मैं हम अरे श्यामू, क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। अरे कृष्णा, मेरे ख्याल में जो मैं कहना चाहता था वो माखन के बारे में था, पर अब मुझे याद नहीं है। सोचो श्यामू, सोचो, कोशिश तो करो। क्या फायदा, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। दामू और सुदामा आते ही होंगे, वो मेरे पीछे ही थे, उन्हें जरूर याद होगा। क्या तुम्हें श्यामू ने बताया, मुंजल जो मक्खन का व्यापार करते हैं वापस आ गए हैं, क्या तुम्हें याद है वो? देखा, मैंने कहा था ना कि माखन के बारे में ही कुछ बात थी। हाँ, मुझे याद है, उसकी सारी गायों को हमने 5 दिन तक खिलाया पिलाया था, और उसने हमसे वादा किया था कि वो हमें माखन के 5 मटके भर के देगा। अब उनका वादा निभाने का समय आ गया है। सुनो, मुझे वो मुंजल पसंद नहीं है। कृष्णा, तुम कोई शरारत मत करना, समझ गए? कभी नहीं माँ, हम वही लेंगे जो हक से हमारा है। जबरदस्ती नहीं, हम प्यार से मांगेंगे। आओ, हम जाकर माखन ले आते हैं। आओ कृष्णा, आओ, मैंने तुम्हारे माखन से भरे मटके तैयार रखे हैं। हाँ, हम वही लेने आए हैं। ये लो, वादे के अनुसार 5 मटके मेरे स्वादिष्ट माखन के। ये है 5 मटके। ये तो आपकी हथेली से भी छोटे हैं, सबको मिलाकर भी 1 मटका नहीं भरेगा। अरे कृष्णा, अब लालच मत करो, मैंने तुम्हें मटकों का आकार तो नहीं बताया था ना। अब जाओ, मुझे बहुत काम है। बेशक, आपने इसी का तो वादा किया था, आप कितने दयालु हैं। धन्यवाद। अरे, ये जगह तो खाली है, कहाँ है उनके मक्खन के दोने? मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था, वो मक्खन से लदी हुई गाड़ियों की खुशबू तो कुछ और ही थी। मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मुंजल माखन ऐसे ही इधर उधर नहीं रखेंगे, तुम तीनों ठीक से नहीं देख रहे, ऊपर देखो। ओह, अब हम इतनी ऊपर कैसे पहुंच पाएंगे? सुदामा, मुझे माखन से कोई भी दूर नहीं रख सकता। तैयार हो जाओ, ये माखन तुम्हारे लिए है। ये मक्खन तो बहुत स्वादिष्ट है। वाह, क्या मजेदार मक्खन है। मुंजल कंजूस भले ही है, पर माखन सबसे उम्दा बनाते हैं।